हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारा सेशन चल रहा है उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको चार प्लेलिस्ट वहां पर अवेलेबल होती हुई दिखाई देंगी। एक 11/MU BTECH के नाम से, एक 12/MU BTECH के नाम से, एक 11/NEET के नाम से और एक 12/NEET के नाम से। अगर आप नीट वाली वीडियोज में जाते हैं तो वहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस मिलेंगी। अगर आप AMU BTECH वाली प्लेलिस्ट में आते हैं तो वहां पर आपको मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी। जो वीडियो है यानी जो लेक्चर्स हैं वो इस तरीके से है कि मैथ्स का रोज एक लेक्चर आपको YouTube पर दिखाई दे रहा है, रोज एक लेक्चर हमारी तरफ से अपलोड हो रहा है। और मैथ्स के साथ जो पैरेलल में या तो फिजिक्स चल रहा है या तो केमिस्ट्री चल रहा है। और अगर मैं नीट की बात करूं तो उसमें बायोलॉजी की जो वीडियोस हैं वो रोज आपके लिए वहां पर अवेलेबल हैं। और बायोलॉजी के साथ साथ या तो फिजिक्स चल रहा है या फिर आपका केमिस्ट्री चल रहा है। तो अगर बात करें कि किस तरीके से क्लासेस ली जा रही हैं, किस तरीके से क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं, तो उसके लिए आपको भी पता है, मैंने लास्ट वीडियोज में भी बताया हुआ है कि इस बात का बहुत ख्याल रखा गया है कि 10th क्लास पास करने के बाद जब बच्चा 11th में आता है तो 10th क्लास की मैथमेटिक्स में और 11th क्लास की मैथमेटिक्स में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत फर्क है। उस गैप को कैसे फिल किया जाए, इस बात को हमने ख्याल में रखा हुआ है कि उस गैप को हम कैसे अच्छे से फिल कर सकते हैं, वो गैप कैसे फिल कर सकते हैं, हमारी तरफ से बच्चे को क्या बेस, क्या फाउंडेशन, कैसा बना करके दें, उन सारी चीज को ख्याल में रखा हुआ है। और वही ख्याल में रखते हुए आपको पीपीटी सिलेबस उसी हिसाब से यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में मैंने आपको क्लास 11th का पहला चैप्टर सेट पूरा करा दिया है। ओके, क्लास 11th का पहला चैप्टर मैंने सेट पूरा करा दिया है। सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन मैंने पढ़ा दिया है। और हमने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे 12th की कैलकुलस का पूरा बेस है और वो चैप्टर कहीं ना कहीं आकर आगे इंटरकनेक्ट कर जाता है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो स्टार्ट कर दिया था। और अब हम 2-3 लेक्चर्स में उसको भी खत्म करने वाले, ज्यादा वक्त हमने यहां पर लिया है। लगभग 7 क्लासेस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हो चुकी हैं, आज शायद 8वीं क्लास है, तो हम ज्यादा वक्त ट्रिग्नोमेट्री को दे रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि बेटा ये आपका फाउंडेशन है। अगर आपको ये क्लियर है, ये फॉर्मूले समझ में आते हैं, तो आपकी बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग बनने वाली है। इस वजह से हम फाउंडेशन पे ज्यादा काम कर रहे हैं। और अगर क्लास की बात करूं तो मैंने आपको डबल एंगल फॉर्मूले तक लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। अब आपको मुझे लगता है कि डबल एंगल फॉर्मूले याद करने की ट्रिक भी बताई थी, कैसे याद हो जाते हैं, वो डबल एंगल फॉर्मूले आपको याद हो चुके होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो ट्रिपल एंगल फॉर्मूले पर रहने वाली है। एक बार अगर मैं डबल एंगल फॉर्मूले रिवाइज कराने पे आऊं, तो मैंने कल आपको sin 2θ पढ़ाया था, cos 2θ पढ़ाया था और tan 2θ पढ़ाया था। sin 2θ इज व्हाट, 2 sin θ cos θ, 2 बार जंप मारेगा तो वो 2 sin θ cos θ दिखेगा। अगर मैं cos 2θ की बात करूं, दैट इज cos²θ - sin²θ, इसको आप दो तरीके से और लिख पा रहे थे, एक साइन के टर्म में, एक कॉस के टर्म में। और फिर हमने tan 2θ का फॉर्मुला याद करा था, उसके बाद हमने sin 2θ और cos 2θ को tan के टर्म में कैसे लिखेंगे ये देखा था। सारे डेरिवेशन मैंने आपको कराए थे, तो डेरिवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद फॉर्मुले याद होंगे। पहले आपको डेरिवेशन आना चाहिए कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला बना कैसे, कैसे ओरिएंट हुआ, कहां से आया, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो आज का जो हमारी क्लास है वो ट्रिपल एंगल फॉर्मूले पर रहने वाली है। तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूले क्या है, उससे पहले हमारी कोशिश ये रहेगी कि क्या हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूले को डिराइव कर पा रहे हैं। अगर हम ड्राइव कर पा रहे हैं तो फिर हम उन्हें याद भी कर पाएंगे और फिर क्वेश्चन भी लगा पाएंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर, मेरा नाम है जैद अनवर। और जैसे कि आप मेरे बारे में पहले से जानते हो, मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की हुई है और मैं ग्रेजुएटेड हूं फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। आई एम ऑल्सो द एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। और मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब एज द बेस्ट टीचर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़। वहां आपको मेरे बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेटा टाइम को वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि थोड़ा बड़ा पोर्शन है, मैं डायरेक्ट ट्रिपल एंगल फॉर्मूला स्टार्ट करता हूं। तो आइए, सबसे पहले जैसे हमने डबल एंगल फॉर्मूले देखे थे उसी हिसाब से हमारे ट्रिपल एंगल फॉर्मूले भी 3 होते हैं। पहला जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज sin 3, ठीक है। जब हम डबल एंगल फॉर्मूले की बात कर रहे थे तो वहां sin 2a था, अब हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहां पर sin 3a होने वाला है। तो फॉर्मूला क्या होगा वो भी बात करूंगा, पहले मैं डराइव कराता हूं कि कैसे फॉर्मूला आएगा। sin 3a को बच्चा मैं लिख सकता हूं sin 2a + a,
सारे लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. साइन 3o को हम आसानी से साइन 2a प्लस a लिख सकते हैं. नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज साइन a प्लस b, और साइन a प्लस b का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी लास्ट वीडियो से याद है. साइन इज अ फ्रेंडली फंक्शन, फ्रेंडली फंक्शन है. प्लस दोगे तो प्लस ही रहने देगा, साइन के साथ साथ कॉस को भी मौका देगा. ओके okay, तो साइन a प्लस b से अगर इसको हम खोलते हैं तो साइन a प्लस b व्हाट, साइन a कॉस b, यानी साइन 2a कॉस a, और अगर आपने इसे प्लस दिया है तो ये भी प्लस ही रहने देगा. ओके कॉस 2a, कॉस 2a साइन. उम्मीद है समझ में आया होगा ये क्या किया है. ये मैंने साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाया. नाउ कल हमने डबल एंगल फॉर्मूले याद किए थे बच्चा, और डबल एंगल फॉर्मूले में साइन 2a याद किया था. साइन 2a इज व्हाट, साइन 2a इज 2 साइन a कॉस a. ओके तो मैं साइन 2a, ये जो मेरा साइन 2a इसको खोलता हूं, दैट इज 2 साइन a, 2 साइन a कॉस a. ठीक है, मैंने साइन 2a की जगह 2 साइन a कॉस a रख दिया. ये वाला कॉस a एज इट इज यहां पर है प्लस. नाउ कॉस 2a है. अब कॉस 2a जो है हमारा, cos 2a को हमने याद करा था cos square a minus sin square a. फिर मैंने बोला था इसको आप cos में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी यू कैन राइट इट एज 2 cos square a minus 1, या sin में भी कन्वर्ट कर सकते हो 1 minus 2 sin square a. किस में कन्वर्ट करें, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं sin में, क्योंकि हमारा पूरा जो फॉर्मूला है वो sin का ही है, तो sin में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो cos 2a को sin में कैसे कन्वर्ट करूंगा, दैट इज 1 minus 2 sin square a. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इन टू साइन, ये मेरा साइन है, ये वाला चल ही रहा है. तो मैंने यहां पर डबल एंगल फॉर्मूले लगाए, साइन 2a को लिखा है 2 साइन a cos a, और cos 2a को लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर. सब कुछ साइन में होना चाहिए, सब कुछ साइन में होना चाहिए ऐसा मैं सोच रहा हूं. ओके तो दिस इज व्हाट, दिस इज 2 साइन a, सारा कुछ साइन में कर रहे हैं. cos a इंटू cos a cos स्क्वायर, cos a इंटू cos a क्या होता है, cos स्क्वायर. नाउ 10th में पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कॉज स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर. ओके तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस. ओके इसको एक काम करते हैं, ये तो ऑलरेडी साइन में कन्वर्ट है, अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं. साइन ए इंटू 1 साइन ए माइनस साइन ए इंटू साइन स्क्वायर 2 साइन क्यूब ए, 2 साइन क्यूब ए. अब देखते हैं क्या बना, ये बना 2 साइन ए इंटू 1, दैट इज 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए, डेट इज 2 साइन क्यूब ए. ओके प्लस साइन ए, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए. तो यहां से मेरे पास रिजल्ट जो आया वो क्या आया, ये 2 साइन ए प्लस साइन ए, ये हो गया हमारे पास 3 साइन ए माइनस 2 और 2 4, माइनस का 4 साइन क्यूब ए. ये होता है मेरा ट्रिपल एंगल फॉर्मूला. रटने से अच्छा रटेंगे भी इसको, याद भी करेंगे, लेकिन हाउ टू ड्राइव इट ये इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे हमने ड्राइव करा है. नाउ अब मेरे पास जो रिजल्ट आ चुका है वो रिजल्ट ये है कि बच्चा साइन 3a क्या होगा, साइन 3a 3 बाहर जंप मारेगा, डेट इज 3 साइन ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, 4 साइन क्यूब है. दिस इज अवर ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ये मेरा पहला ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है. व्हाट इज साइन 3a, 3 बाहर जंप मारेगा, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है. पूरे का पूरा फॉर्मूला साइन में है. एक बार फिर से मेरे साथ बोलो साथ साथ जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट इज साइन 3a इज व्हाट, 3 बाहर जंप मारेगा, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है. तो दिस इज ऑल अबाउट साइन 3a, ये फॉर्मूला होता है मेरा साइन 3a का. नाउ अब अगर साइन 3a का फॉर्मूला है तो बिल्कुल ऐसे ही मैं ड्राइव cos 3a भी कर सकता हूं. sin 3a में जब ड्राइव करा तो सारे का सारा कन्वर्जन sin में, जाहिर सी बात है जब cos 3a को डराइव करेंगे तो सारा कुछ कन्वर्जन हमें cos में करना पड़ेगा. आओ इसको भी हाथ के हाथ करते हैं, चलो इसको भी हाथ के हाथ करते हैं, यहां पर इसको करते हैं. ये मेरे पास sin 3a का फॉर्मूला है. अब एक फॉर्मूला है मेरे पास सेकंड वन, दैट इज cos 3a, cos 3a को ड्राइव कर रहा हूं. cos 3a को कैसे ड्राइव करूंगा, अब जैसे साइन 3a को साइन 2a प्लस a लिखा, उसी तरीके से कॉस को लिख सकते हैं कॉस 2a प्लस a. अब मैंने यहां पर जो आइडेंटिटी लगाई वो लगाई साइन a प्लस b की, वहां लगेगी कॉस a प्लस b की. कॉस के बारे में आप जानते हो, इट इज अ रीबेल फंक्शन, रीबेल फंक्शन है, जिद्दी फंक्शन है. प्लस है तो आंसर माइनस में देगा, अगर प्लस आपने दिया है तो ये आंसर आपको माइनस में देगा. ओके माइनस में आंसर देगा, ये तो बात परफेक्ट है.
अब ये भी ध्यान में रखना है कि कॉज है तो ये खुद पहले आता है, साइन को बाद में मौका देता है। यानी कॉज ए प्लस बी इज वॉट, कॉज ए कॉस बी माइनस का साइन है साइन बी। ओके, तो कॉज ए कॉस बी लगाते हैं, कॉज ए कॉस बी का मतलब हो गया कॉस टू ए, कॉस टू ए एंड कॉज ए, कॉस टू ए कॉज ए, ओके कॉज ए कॉस बी। ओके, अब ये प्लस है तो यहां पर मेरा माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी का मतलब हो गया साइन टू ए इंटू साइन ए। ठीक है, उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। दिस इज वॉट, दिस इज साइन ए प्लस बी, दिस इज वॉट, दिस इज कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, दैट इज कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला। आओ बच्चों अब इसको देखते हैं। अब यहां पर मेरा दोबारा से ये कॉस टू ए है। अब देखो यहां मेरा कॉस टू ए था, उसको मैंने साइन में कन्वर्ट किया। क्यों साइन में कन्वर्ट किया? क्योंकि मैं साइन का फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं। अब यहां कॉस टू है, इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि मैं कॉस का फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं। ओके, तो कॉस टू ए को, कॉस टू ए को अगर हम 1 माइनस टू साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहां कॉस टू ए को हम लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर, टू कॉस स्क्वायर माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर माइनस वन इंटू कॉस ए, इंटू कॉस ए माइनस साइन टू ए को मैं लिख सकता हूं टू साइन ए कॉस ए, दैट इज टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉज ए इंटू साइन ए मेरा चल ही रहा है। याद रखना दिमाग में क्या है, दिमाग में है सारा कुछ कन्वर्ट करना है बच्चा कॉज में। चलो आ जाओ, तो ये तो मेरा पूरा का पूरा कॉज में कन्वर्ट है, कॉज ए इंटू टू कॉज स्क्वायर ए, दैट इज टू कॉज क्यूब ए माइनस कॉज ए इंटू वन, दैट इज कॉज ए, कॉज ए इंटू वन क्या हो गया कॉज ए हो गया। ओके, नाउ अब यहां साइन ए इंटू साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है, तो साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं वन माइनस कॉज स्क्वायर ए। तो ये जो मेरा साइन स्क्वायर ए बनने वाला है, इसको मैं लिख रहा हूं वन माइनस कॉज स्क्वायर ए। ओके, तो माइनस का टू कॉज ए और ब्रैकेट के अंदर वन माइनस कॉज स्क्वायर ए। उम्मीद है ये क्या लिखा है क्लैरिटी आ गई होगी। एक बार दोबारा से समझा रहा हूं, दिस इज वॉट कॉज ए इंटू कॉज स्क्वायर ए टू कॉस क्यूब ए, कॉज ए इंटू वन माइनस का कॉज ए, और माइनस का टू कॉज ए आ गया, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए हुआ, लेकिन मैंने कॉज में कन्वर्ट करा है वन माइनस कॉज स्क्वायर ए। सॉल्व करते हैं, दिस इज वॉट टू कॉस क्यूब ए माइनस का कॉज ए माइनस का टू कॉज ए माइनस माइनस प्लस टू कॉस क्यूब ए। अब यहां से मेरा क्या बना, यहां से बच्चा मेरा क्या बना, 2 cos क्यूब ए और 2 cos क्यूब ए, 2 और 2 4, 4 cos क्यूब ए माइनस ये क्या हो गया 2 और 1 3, दिस इज 3 cos ए। ये आ गया मेरे पास किसका फॉर्मूला, ये आ गया मेरे पास cos 3 ए का फॉर्मूला। तो हाथ के हाथ मैं यहां पर cos 3 ए का फॉर्मूला भी लिखूंगा, डेट इज 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। लगभग लगभग सिमिलर है, एक जैसा है, तो कैसे हमने डिराइव करा वो याद होना चाहिए, उसके बाद फॉर्मूला तो हमें याद ही करना है। अब हमारे पास दो फॉर्मूले हो चुके, एक फॉर्मूला हो चुका है ट्रिपल एंगल वाला साइन थ्री ए। साइन थ्री ए क्या होगा, थ्री बाहर जंप मारेगा, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब है। ओके, दिस इज व्हाट, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब है। अब अगर कॉस थ्री ए की बात करेंगे तो कॉस तो हमेशा साइन से उल्टा ही काम करता है ना, तो अगर साइन जो था वो मेरा थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब था, तो ये उल्टा देखेगा, ये देखेगा फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। तो ये फॉर्मूले हैं हमारे साइन थ्री ए और कॉस थ्री ए के। उम्मीद है आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब अगर साइन थ्री ए है कॉस थ्री ए है तो टेन थ्री ए भी जरूर होगा। आइए देखते हैं टेन थ्री ए क्या होगा, लेकिन उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो मैं इधर ही बता देता हूं ताकि तुम यहीं के यहीं नोट करो। देखो अब अगर तुम्हें अगर थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, यहां पे हिंट दे रहा हूं, ठीक है। अगर तुम्हें tan 3a निकालना है ना, ड्राइव कैसे करेंगे वो बता रहा हूं। तो tan इज व्हाट, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा का मतलब हो गया sin 3a अपॉन cos 3a, ठीक है। तो तुम्हारे पास sin 3a का फॉर्मूला भी है, तुम्हारे पास cos 3a का भी फॉर्मूला भी है। इधर लगाओगे तो आपका एक एक्सप्रेशन आएगा, डेट इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा,
या मैं 3a से ही दिखाऊं ना, क्योंकि हमने a ही लिखा है. tan 3a, tan 3a will be equal to 3 tan a minus tan cube a. 3 tan a minus tan cube a upon divided by 1 minus 3 tan square a. 1 minus 3 tan square a. इसके मैं ज्यादा डेरिवेशन में नहीं जा रहा, इसको आप क्या नोट कर लो, क्वेश्चन करेंगे. क्यों नहीं जा रहा, मैंने एक तरीका आपको बता दिया है कैसे करेंगे. यानी अगर मुझे tan 3a चाहिए तो tan 3a is what? Sin theta upon cos theta. यानी tan 3a is what? Sin 3a upon cos 3a. अब sin 3a का भी फॉर्मूला है, cos 3a का भी फॉर्मूला है, लगाएंगे cos cube a से डिवाइड और करना पड़ेगा, तो ये रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा. दैट इज tan 3a विल बी इक्वल टू 3 tan a माइनस tan cube a अपॉन 1 माइनस 3 tan square. तो ये तीनों फॉर्मूला होते हैं हमारे, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला. प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आगे बात करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने. प्लीज ओके. तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूला को डराइव कर पा रहे हैं और क्या हमारे ट्रिपल एंगल और फॉर्मूला होते हैं. एक बार फिर से मेरे साथ रिमाइंड कर लो, साइन 3a इज व्हाट? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है. जब साइन 3a की बात होगी तो 3 जब मारेगा, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है. ओके, अगर cos 3a की बात होगी तो cos हमेशा उल्टा चलता है, यानी ये 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, ये पहले आएगा. 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है. और अगर tan 3a की बात होगी, दैट इज ऑल अबाउट 3 tan a माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है. ओके, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा. अब हम बेस्ट से बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है क्वेश्चंस की, उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या हम क्वेश्चंस इस पर कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बेटा और मैं आपको बताऊंगा इसी में. तो लेट अस टेक अ क्वेश्चन प्रूव दैट हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन 60 प्लस थीटा प्रूव दैट साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 साइन 3 थीटा. हमें ये प्रूफ करना है. अब देखो दो बातें इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा, यानी आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए. और अभी तो ये रिजल्ट हम प्रूफ कर रहे हैं. कभी कभी क्या होता है, आप जेई मेंस के पेपर उठा के देखोगे तो आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट भी मिल जाएगा. तो अभी मैं ये तो बोलना मेरा गलत होगा कि इसको याद कर लो, क्योंकि बड़ा टिपिकल सा है. तो पहले हम इसको क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे. उसके बाद अगर आप चाहो और कोशिश करो तो इस रिजल्ट को प्लीज लिख लेना, क्योंकि कई बार जब मैं आपको एडवांस लेवल का पढ़ाऊंगा तो यह चीज आएगी, मैं डायरेक्ट 1/4 sin 3θ लिख दूंगा. ठीक है, अभी मैं बिल्कुल भी याद करने के लिए नहीं बोल रहा, अभी मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं बोल रहा इसको याद कर लो, नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, मुझे भी नहीं हुआ था, है ना. जब मैं भी तैयारी मतलब जब मैं भी स्टूडेंट था तो मुझे भी डायरेक्ट याद नहीं होता. कब याद हुआ? जब मैंने लगातार इससे क्वेश्चन लगाए, जब मैंने ऐसे क्वेश्चन बार बार लगाए. अब जब क्वेश्चन हम बार बार लगा लेते हैं तो उससे क्या होता है, ऐसा फॉर्मेट कभी भी सामने आता है तो हम समझ जाते हैं अरे ये तो 1/4 sin 3θ है. ओके, तो पहले ये याद करने वाली चीज छोड़िए, कोई फॉर्मूला नहीं है. हाँ, बट इट इज अ वेरी गुड रिजल्ट जो काम आएगा JEE मेंस और कैलकुलस की प्रॉब्लम्स में. तो अभी हमारे पास ये एक क्वेश्चन की तरह हमें प्रूफ करना है जितनी नॉलेज हमारे पास अभी है. अच्छा, उस नॉलेज से पहले मैं आपको एक और बढ़िया बात बताता हूं. ठीक है, यू कैन नोट इट एज डबल स्टार रिजल्ट बच्चा. ठीक है, आप इसको डबल स्टार रिजल्ट से समझ लो और वैसे नोट कर लो. देखो बहुत शानदार रिजल्ट है. यू हैव टू फोकस ऑन दिस, आप इस पर फोकस करो. यू हैव टू फोकस. ओहो जे क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई. गलती को सुधारा भी जा सकता है. साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, सही है? हाँ जी हाँ. तो मैं बात कर रहा था, आप इसको फोकस करो, सिर्फ इस स्टेटमेंट को फोकस करो, पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो. साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ये क्या है बच्चा, ये क्या है? इसको एक डबल स्टार रिजल्ट है, डेट इज साइन
a माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, ये एक बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, ऐसा रिजल्ट मेरे पास कॉज में भी है, तो कॉज वाली भी बात बताऊंगा अभी, क्योंकि क्वेश्चन ये है, इस वजह से इसको नोट करो। जब भी आपके सामने ऐसा फॉर्मेट हो ना कि साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी हो रहा हो, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी हो रहा हो, तो यू हैव टू पुट दैट रिजल्ट, दैट इज वॉट साइन, एक तो आंसर साइन में आएगा, कोशिश करो समझने की, इसका आंसर साइन में आएगा क्योंकि ये पूरा साइन है ना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज वॉट आंसर साइन में चाहिए, तो दो एंगल है और भी बीच में माइनस चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बढ़िया रिजल्ट है ना। इसको उठा करके जरा यहां रख के देखते हैं, दिस इज वॉट, दिस इज साइन 60 माइनस थीटा, ओके, साइन 60 प्लस थीटा, अगर साइन में है तो साइन में रिजल्ट, कॉज में होता तो कॉज में रिजल्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस बिल्कुल ऐसा लग रहा है, यहां पर मेरा ए जो है वो 60 है और बी जो है वो थीटा है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए का मतलब हो गया साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसी रिजल्ट से मैं इसको सॉल्व करता हूं, दिस इज वॉट, दिस इज साइन थीटा, ओके, ये जो रिजल्ट है इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं बच्चा एलएचएस की, उसको नहीं ले रहे, है ना। तो मैंने साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा की जगह साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया है, ओके। नाउ दिस इज व्हाट की साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू तो मुझे याद है, साइन 60 तो मुझे याद है, व्हाट इज साइन 60, साइन 60 इज अंडर रूट के अंदर 3/2, ओके। अब साइन 60 अगर अंडर रूट के अंदर 3/2 है तो साइन स्क्वायर 60 इज व्हाट, रूट 3/2 का होल स्क्वायर, रूट 3 का होल स्क्वायर इज 3, ओके, और 2 का होल स्क्वायर इज 4, 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बहुत अच्छा। अब क्या करें, अब एक काम करते एलसीएम ले लेते, एलसीएम ले लेते, आओ 4 हो गया एलसीएम, 4 हो गया एलसीएम, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ जी 4, 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बढ़िया है सर। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब इस साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, ओके, माइनस साइन थीटा का यहां कराओगे तो दिस विल बिकम 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन 4। सर क्या बना दिए, गंदा सा, गंदा सा नहीं है, वही ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है जो अभी याद करा था हमने, याद करा था साइन 3a क्या होगा, 3 बाहर जंप मारेगा, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है, दिस इज जस्ट लाइक दैट, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी दिस इज व्हाट, दिस इज साइन 3 थीटा, दिस इज साइन 3 थीटा, और ये डिवाइड बाई 4 तो चल ही रहा है बेटा, यही था आरएचएस, यही तो था आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ। तो बच्चा इससे इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है कि साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी जब भी दिखेगा मेरे स्टूडेंट आंसर करेंगे साइन में, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉज स्क्वायर बी मत कर देना, साइन में आंसर करना है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ओके। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये रिजल्ट अपने आप में ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी ऐसी शक्ल दिखेगी साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए, तो ऑलवेज पुट 1/4 इंटू साइन 3a, लेकिन अभी नहीं समझ आएगा, अभी घुसेगा नहीं, जब जेई के क्वेश्चन करवाऊंगा एडवांस लेवल पर आएंगे तब घुसेगा, तो अभी इसको क्वेश्चन की तरह देखो, चलो चलो जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से बढ़िया तरीके से इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन में। ऐसा डबल स्टार रिजल्ट है, ये साइन के लिए है, अब एक रिजल्ट कॉस के लिए भी होता है,
अगर यहां हो जाए ना cos a माइनस बी cos a प्लस बी, तब आंसर किसमें आएगा वो भी देखेंगे, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। चलो अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं देता हूं कि कॉज अगर आ जाए तब क्या होगा, ठीक है? ऐसा ही एक क्वेश्चन, कॉज अगर आ जाए तब क्या होगा, इसका फॉर्मेट ध्यान में रखना प्लीज थोड़ा सा। चलो कॉज में दिखाता हूं मैं कैसा क्वेश्चन आएगा। अब मैं सेम सवाल को दे रहा हूं कॉज में, प्रूव डेट कॉज थीटा इंटू कॉज 60 माइनस थीटा इंटू कॉज 60 प्लस थीटा। बच्चे मेरे समझ गए हैं, बच्चे बोल रहे हैं सर ये होगा कॉस 3 थीटा बाई 4, ठीक है? फॉर्मेट समझो, ऐसा जेई मेंस के प्रॉब्लम में डायरेक्ट लगाएंगे। अगर साइन है साइन ए, साइन 60 माइनस ए, साइन 60 प्लस ए, देन दिस इज साइन 3 ए बाई 4, दिस इज कॉस, कॉस ए, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, आंसर इज कॉस 3 ए बाई 4। ओके, तो इसको करेंगे सॉल्व, इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन ये याद भी करना है, अभी नहीं, अभी क्वेश्चन की तरह करते हैं। चलो तो अब मैं एक स्टार रिजल्ट बताता हूं फिर से, डबल स्टार रिजल्ट है ये भी फॉर कॉस, डबल स्टार रिजल्ट है, और ये डबल स्टार रिजल्ट है किसके लिए, कॉस के लिए। अब यू हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट, इस पार्ट पे फोकस अगर कर रहे हो देन दिस इज जस्ट लाइक कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। अभी क्या था अभी साइन में था, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, तो मैंने कहा था आंसर साइन में आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब कॉस में है तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर कॉस में आएगा, इसका आंसर कॉस और साइन दोनों में आएगा। कैसे करते हैं, दूसरा वाला जो एंगल है बी, दूसरा वाला ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो दूसरा वाला जो एंगल है दैट इज बी, ओके, इसके साथ कॉस आएगा, यानी दिस इज कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। उल्टा पुल्टा मत कर देना, उल्टा मत कर देना, उल्टा नहीं होगा ये आंसर। अगर ये स्टेटमेंट कॉस में है तो हमें आंसर कॉज और साइन दोनों में चाहिए होता है। कॉज में कौन सा एंगल आएगा, दूसरा वाला कॉज स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन में अगर था, साइन में जब था कि साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, तो साइन में रिजल्ट चाहिए था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, लेकिन कॉज का रिजल्ट कॉज और साइन दोनों में चाहिए, दूसरा वाला एंगल कॉस के साथ आएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, नाउ बच्चा इसको देखें अगर, तो दिस इज व्हाट कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा। बहुत ध्यान से, कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा, ऐसे ही लग रहा है ना, यही तो है, सही है सर। अब क्या करें भाई, आंसर कॉस और साइन में आएगा, बी ये थीटा है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर 60 ये रहेगा, है ना। आओ लेट अस पुट करते हैं। तो मैं फोकस कर रहा हूं LHS पे, आओ, तो यू कैन राइट इट एज कॉस थीटा, ओके, और इसकी जगह ये लिखेंगे डेट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 60, सही है, ठीक है। नाउ ओके, साइन स्क्वायर 60 है ना, नाउ दिस इज व्हाट कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन ऑफ 30 इज 1/2, बट साइन 60 इज √3/2, उसका स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर तो 3 है और 2 का स्क्वायर है 4। दिस इज व्हाट कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3/4, एलसीएम भी तो लोगे, ले लिया। अब क्या करें, कॉस से मल्टीप्लाई करें, कॉस थीटा के अंदर दिस विल बिकम
4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4। ये क्या है, ये क्या आ गया है, साइन 3 थीटा होता था 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, दिस इज cos 3 ए, दैट इज 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, दिस इज व्हाट cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4 आ गया, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है, दिस इज cos 3 थीटा बाई 4। तो दोनों के दोनों बिल्कुल ऐसे ही हैं। साइन का जब रिजल्ट था तो साइन ए, साइन 60 माइनस ए, साइन 60 प्लस ए, आंसर साइन में आ रहा था, साइन 3 ए बाई 4, ये cos में। अब क्या tan में भी हो सकता है, क्या tan में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एक छोटा सा चेंज आएगा, आओ देखते हैं क्या आएगा, पहले इसको नोट करो, इसको नोट करो जल्दी से, इसको नोट करो जल्दी से, उम्मीद है नोट हो गया होगा। चलो अब एक काम मैं ये करता हूं, टेन पे पहुंचने से पहले, टेन पे पहुंचने से पहले ये कॉस वाली और साइन वाली दो चीजें हैं हम लिख लेते हैं। मैंने सीखा और पढ़ा कि साइन थीटा है ना, ओके, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा बाई 4, ये पढ़ा। फिर मैंने पढ़ा कि cos थीटा, ओके, cos 60 माइनस थीटा, ओके, cos 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा बाई 4। अभी अभी पढ़ा है और अभी अभी इन दोनों को मैंने प्रूफ भी करवाया है कि हाउ टू प्रूव इट, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा, cos 60 प्लस थीटा 1/4 cos 3 थीटा होता है और वो 1/4 sin 3 थीटा होता है, ये बात पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रूफ भी करवा चुके हैं। अब सवाल है ये कि भाई अगर tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा हो जाए तो क्या ये tan 3 थीटा बाई 4 के इक्वल होगा, अगर इससे चले तो tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा इसके इक्वल होना चाहिए ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है। गलत क्यों है, गलत क्यों है, गलत क्यों है, LHS इसका लोगे अगर तो tan को लिख सकता हूं मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना, tan 60 माइनस थीटा को लिख सकता हूं मैं साइन 60 माइनस थीटा अपॉन कॉस 60 माइनस थीटा, और टेन 60 प्लस थीटा को लिख सकता हूं मैं साइन 60 प्लस थीटा अपॉन कॉस 60 प्लस थीटा, है ना, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ओके। ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये है साइन 3 थीटा बाई 4, साइन, अरे ये जो चीज है, ये है साइन 3 थीटा बाई 4, और ये जो चीज है, ये है कॉस 3 थीटा बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बन गया टेन 3 थीटा। तो याद रखना जब टेन में ये रिजल्ट आएगा तो डिवाइडेड बाई 4 नहीं आएगा, बल्कि ये इक्वल होगा किसके, सिर्फ टेन 3 थीटा के, ओके। तो अभी मैं नहीं कह रहा, प्रेशर नहीं बना रहा तुम लोगों पे कि इसे याद करो, लेकिन हाँ यू हैव टू प्रूव इट, इसको आपको प्रूफ करना आना चाहिए। तो प्लीज बच्चा, प्लीज इसको लिख लो, मेक अ नोट, फिर बात करते हैं आगे। चलो अब इन तीनों प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कैसे
ये जेई लेवल्स के जो हमारे सवाल होते हैं उनको सॉल्व करने में कैसे हेल्पफुल है, क्या करती है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे चमकता है, आओ देखते हैं। उससे पहले ये सिनेरियो थोड़ा सा अपने दिमाग में रखेंगे। ओके, नाउ मैं अब आपको एक नॉर्मल सवाल देता हूं, जेई लेवल का सवाल है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 6 into 10 42 into 10 66 into 10 42 into 10 66 into 10 78 into 10 78, इसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। ठीक, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ अब बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। देखो बहुत ध्यान से देखना, ये तुम्हारा सिक्स है ना, सिक्स। चलो पहले मैं एक काम करूं, मैं तुम्हें पहले प्रॉपर्टी लिख दूं ताकि कंफ्यूजन हो। अभी हमने 10 की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 10 की प्रॉपर्टी पढ़ी थी 10 थीटा इंटू 10 60 माइनस थीटा, 10 60 प्लस थीटा। ये अगर होगा तो आंसर हम देंगे डायरेक्ट 10 3 थीटा, है ना। नीचे लिख दूं, इसका आंसर हम देंगे डायरेक्ट 10 3 थीटा। ये अभी अभी पढ़ चुके हैं, यही तो पढ़ा है। जबकि साइन और कॉस में होगा तो साइन 3 थीटा/4 और कॉस 3 थीटा/4। अब ये, अब देखो मैंने देखा क्या देखा, ये 10 6 है, ये 10 6 है, बढ़िया। ये मैं लिख दिया 10 6, ये है 10 66, 10 66, 10 66 का मतलब हो गया 60 + 6 = 66, सही है 10 66। ये है 10 60 - थीटा, यानी 60 में से 6 घटाओगे तो बचेगा तुम्हारा 54। 10 54 तो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, तो प्रॉपर्टी बनाने के लिए अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 54 का, ठीक है। और ये दोनों बचे, इनको अलग लिख ले रहे, 10 42 और 10 78 divided by 10 54। बात समझ पा रहे हो, अप्रोच देख पा रहे हो, क्या है 10 6। अब 66 क्या है, 60 + 6, अब 60 - 6 होता है 54। 54 नहीं देखा तो अपनी तरफ से लगा दिया 10 54, अब कोई फर्क ना पड़े, डिवाइड भी करें, ओके। और बाकी 10 42 10 68 अलग है। अब भाई ये आ गया मेरे पास 10 54, ठीक है, 10 6 10 66 10 54 फॉलो कर रहा है इसे, 60 + 60 60 - 60 आंसर आएगा 10 3 थीटा, यानी आंसर आएगा 10 3 थीटा, 3 6 = 18, यानी 10 18, ये बनेगा बच्चा 10 18, ये बनेगा 10 18। आओ लिखें 10 18 इंटू 10 42 इंटू 10 78 अपॉन 10 54। बात सही है, अब क्या करें, अब फिर देखो ये है 18, 42 है 60 - 18, 42, और 78 है 60 + 18, 78। अगेन ये फिर से बन रहा है क्या, 10 थीटा, 10 60 - थीटा, 10 60 + थीटा, आंसर इज 10 3 थीटा। तो 10 3 थीटा का मतलब हो गया 18 × 3 = 54 divided by 10, आंसर इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ये एप्लीकेशन है, जरूरी है एप्लीकेशन उन प्रॉपर्टी की जो अभी हमने पढ़ी, दैट इज चाहे साइन के टर्म में हो, चाहे कॉस के टर्म में हो, चाहे टेन के टर्म में हो, वी कैन यूज, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, okay.
तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्लैरिटी आ गई होगी। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले अब हमें बढ़िया से तैयार हो गए होंगे। तो इसके बाद मैं अभी भी ट्रिग्नोमेट्री को खत्म नहीं करूंगा, बिकॉज ऑफ फाउंडेशन है, अभी कुछ और भी फॉर्मूलास बाकी हैं, क्वेश्चंस बाकी हैं, पीपीटी के भी कुछ क्वेश्चंस बचाऊं। तो यहां तक रखते हैं, ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूला हुआ। अब इससे आगे कुछ और नए फॉर्मूले इस पर बात करेंगे, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू वेरी मच, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर कीजिए।